नमस्कार, इंडिया फर्स्ट न्यूज के खास प्रोग्राम पॉलिटिक्स फर्स्ट में आपका स्वागत है। और आज इंडिया फर्स्ट स्टूडियो में मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री अंतर सिंह आर्य जी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बूचड़ खानों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार इन कदमों को कैसे देखती है? सरकार ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर गौ हत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, परंतु हम भी पशुपालन विभाग के माध्यम से भी पूरे प्रदेश में इसके ऊपर निगाह लगाए रखे हैं कि कहीं पर भी पशुओं का तस्करी न हो। और वैसे भी जब से मध्य प्रदेश में जो प्रतिबंध लगा है, तब से अनेक सामाजिक संस्थाएं, अन्य एनजीओस जो मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर की जो सीमाएं हैं, वहां पर जो अवैध तस्करी होती है उसको बराबर रोक रहे हैं। अब गोकुल अभियान चला रहे हैं, ये गोकुल महोत्सव दरअसल है क्या? गौ की सेवा कैसी होना चाहिए, गौ के स्वास्थ्य के ऊपर क्या ध्यान रखना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमने 31 अक्टूबर 2016 को खरगोन जिले के सनावद में हमने गोकुल महोत्सव को लॉन्च किया है। और ये महीने भर तक हमारे हर गांव में छोटे छोटे शिविर लगेंगे। उस शिविर के अंदर कृषक लोग अपने गोवंश को वहां पर लाते हैं, इलाज कराते हैं, बघियाकरण होता है, उसके पूर्ण स्वास्थ्य की जानकारी होती है, टीके भी लगते हैं, जो भी जो जो इलाज हो सके वो हमारा पशुपालन विभाग के डॉक्टर और अधिकारी वहाँ पर हर गांव में जाते हैं। कुल आपने दुग्ध उत्पादन की बात की, एक समय दुग्ध क्रांति हुई थी, व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था, मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन की क्या स्थिति है और इसे किस तरह से बढ़ाया जा रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश का जो उत्पादन जो दर है वो 6% है, और हमारे ये 15-16 में हमारे मध्य प्रदेश का जो उत्पादन जो दर है वो 12% बढ़ी है। और देश में हमारा मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। मैं समझता हूँ कि इस साल जो भी हमारा जो इसकी गणना होगी, हम देश में तीसरे स्थान पर आने की स्थिति में हैं। और इस प्रकार से दूध उत्पादन बढ़े, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे इसी साल पिछले साल से आचार्य विद्यासागर जी के नाम से एक योजना लॉन्च की है। इसमें गो 5 गाय कृषक हितग्राही को देने की व्यवस्था की है, और अधिकतम हम इसमें 10 लाख रुपए तक का हम पैसा सेंशन करते हैं। पशुपालन विभाग से संबंधित एक और सवाल है, कड़कनाथ। कड़कनाथ इस तरह का मुर्गा है जो काफी लोकप्रिय है, किस तरह से उसकी जो मार्केटिंग है उसे किस तरह से आगे बढ़ाएं? कड़कनाथ जो मुर्गा है, इसमें ये विशेषता है कि जो मुर्गा रहता है वो पूरी तरह से काला है, उसके बाल भी पूरे काले होते हैं, और उसका खून भी काला होता है, उसकी हड्डी भी काली होती है, और मांस भी काला होता है। और इसकी डिमांड मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि भाई गरीब एसटीएससी गरीब वर्ग को, क्योंकि ये छोटा जो किसान है उसकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुदृढ़ हो, उसमें हमारा ये मुर्गा पालन की योजना बहुत महत्वपूर्ण है। और हम इसके लिए इंदौर संभाग बड़वानी जिले से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ये आदिवासी सब प्लान के अंतर्गत 9 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने तैयार किया है, शीघ्र ये आने वाले समय में लॉन्च होगा। जी बिल्कुल, एक आपके एक विभाग है जिसमें रेशम का उत्पादन किया जाता है, रेशम की बढ़ावत की जाती है, होशंगाबाद में प्राकृत जो हमारा रेशम का जो ब्रांड है उसको बढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिर भी बात आती है ब्रांडिंग जो है विस्तार जरूर कहीं दिखाई नहीं देता है। जहाँ तक आपने रेशम का जो बात करी है, होशंगाबाद नर्मदा बेल्ट से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर जलवायु मतलब अनुकूल होने के कारण इस क्षेत्र में पहले विस्तार हुआ है। मलबरी जो कोसा है तो रेशम होता है, दूसरा एक टसर कोसा होता है, वो जंगल में मतलब तैयार होता है,
और अब हम मतलब इसको, क्योंकि हम खंडवा जिला, बुरहानपुर जिला, हमारा धार जिला और खरगोन जिला और इस बेल्ट में इंदौर संभाग को इस साल हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, चिंता है कि भाई रेशम के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में व्यापक स्तर पे इसका प्रचार प्रसार भी हो और इसको आगे बढ़ावा देने के लिए विभाग काम करे, ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का है। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुटीर और ग्राम उद्योग की हम बात करते हैं, युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए विभाग क्या कर रहा है? इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कुटीर उद्योग के लिए बढ़ावा दें, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री की जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, इसमें भी 10 लाख तक लागत के उद्योग हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चालू करते हैं। पर्यावरण की हम बात करेंगे, आपके पास पर्यावरण विभाग भी है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि जो कि इंडस्ट्रीज हैं वो पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करती हैं, सीधे तौर पर जो गंदा पानी है वो नदियों में प्रवाहित कर देती है। जैसा आपने पूछा कि भाई कई एक औद्योगिक क्षेत्र गंदा पानी नाले में छोड़ देते हैं, इसमें हमने देवास कुछ औद्योगिक क्षेत्र के अंदर हमने कैमरे लगवा दिए है, उसकी मॉनिटरिंग हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, यहाँ से होता है और मैं भी समय समय पे वहाँ जाता हूँ और देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि भाई कि रात में वो जो गंदा पानी छोड़ दे, क्योंकि हमारे कैमरे से मतलब उसकी देख रेख होती है, जहाँ कोई शिकायतें आती हैं उसकी तत्काल जांच भी होती है और न्यायालय में उसके प्रकरण भी होते हैं। आप एक ऐसे इलाके से आते हैं जहाँ पे काफी तादाद में आदिवासी हैं, सेंधवा का विकास को लेकर आपने क्या कुछ विशेष कार्य किए हैं, अगर आप जनता के साथ साझा करना चाहें? मैंने सबसे पहले हमारे जो आदिवासी जो लोग हैं उनके जो जमीन पे वो काबिज है, उनको पट्टा मिलना चाहिए और हमने अधिकारी और मैं खुद हम मिलकर जगह-जगह मतलब लोगों को मतलब जागृत किया, उनके आवेदन लिए। आज की तारीख में करीब 15,000 किसानों को हमने वनाधिकार के पट्टे दिए, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे हमारे सिंचाई क्षेत्र का मामला, हमने बड़े बड़े तालाबों का निर्माण किया है, हर क्षेत्र के अंदर हमारे प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र सेंसन है, गांव के अंदर जो हमारा जो मुख्यालय है वहां पर हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, 100 बेडेड सिविल हॉस्पिटल है और हमारा केंद्रीय जो एकलव आवासीय आश्रम है, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट के काम हमारे यहाँ पर चल रहे हैं और हमारे क्षेत्र में अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से वो ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से सब खेतों में पानी देने की व्यवस्था हमारी हो जाएगी और आने वाले समय में हमारे क्षेत्र में आर्थिक रूप से क्षेत्र मजबूत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंतर सिंह आर्य जी इंडिया फर्स्ट के स्टूडियो में आने के लिए। तो कई तरह के विकास कार्य यहाँ पर मंत्री जी की तरफ से किए जा रहे हैं, कई तरह के नवाचार भी यहाँ पर किए जा रहे हैं, उम्मीद यहाँ पर बन रही है कि कुछ अच्छा होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, खासतौर पर जो पशु हैं क्योंकि वो बोल नहीं सकते, हम उनकी भाषा समझ नहीं सकते, लेकिन उन पशुओं के प्रति भी पूरी जो सोसाइटी है वो संवेदनशील रुख अपनाएगी और मंत्री जी का जो विभाग है वो उसमें बेहद अहम भूमिका निभाएगा। फिलहाल मुझे यानी कि आशुतोष को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज़। नमस्कार।